गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरअब्दुल सत्तार खान वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ग्रामर लेस जीरेंड इन्फिनेटिव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन आई एन जी विच इज़ यूज इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंस ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये वर्ब का एक फॉर्म है जो आईएनजी में ख़त्म होता है और जो कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि एग्जांपल ही इज सिटिंग हेयर वो यहाँ पर बैठा है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ही यूजेस अ वॉकिंग स्टिक अब स्टिक क्या है वॉकिंग स्टिक ये वॉकिंग क्या है एडजेक्टिव है तो ये आईएनजी फॉर्म में बना है इसी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसे कंटिन्यूस टेंस में ट्विंकलिंग आइज वाज होल्डिंग मराउडिंग लंगूर वेयर विटनेसिंग अब देखिए जितने कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है ये आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हेल्पिंग वर्ड लगा हुआ है जैसे कि वॉज होल्डिंग वर विटनेसिंग वॉज यूजिंग वॉज ब्रीदिंग वॉज पॉन्डरिंग वॉज ट्राइंग अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में ट्विंकलिंग आइज मराउडिंग लंगूर स्लोपिंग रूफ केयरिंग आर्म से डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह ही ये वर्ड बना रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसके आपको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है आई टुक द बेबी लंगूर टू तो आवर बैक यार्ड इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है आई टुक द बेबी लंगूर टू तो आवर बैक यार्ड ये टुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये सिंपल पास्ट टेंस है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हैड टेकन आई हैड टेकन द बेबी लंगूर टू आर बैक यार्ड शी सिंपली सेट दायर क्वाइटली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो इसे क्या बनाएंगे शी इज सिंपली सिटिंग दायर क्वाइटली सैट का इज सिटिंग हो जाएगा द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आईज सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है ये यह लुक्ड यहाँ पर से चेंज करेंगे द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इंटू माई आईज इस तरीके से बनाएंगे शी सर्वेट द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगुर ए सिंपल फ्यूचर टेंस इसको बनाना है शी सरवेट शी विल सर्वे द एरिया फॉर विशियस मेल लंगुर चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीरण वेन द आई एन जी फार्म ऑफ अ वर्ब इज़ यूज एज अ नाउन इट इज़ नोन एज अ जीरण यानी आई एन जी फार्म जो है वह नाउन के तौर पर यूज़ होता है तो उसे क्या कहेंगे जीरण कहेंगे या फिर एक वर्बल नाउन कहेंगे द फाइटिंग वेंट ऑन यानी झगड़ा चालू रहा तो ये फाइटिंग द फाइटिंग तो ये क्या बन गया है शुरू में लग गया है जीरण है हियर वी सी डेट द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब फाइट इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट यानी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और द फाइटिंग वेंट ऑन इट डज अ वर्क ऑफ ए नाउन ये एक वर नाउन का काम कर रहा है गार्डनिंग इज़ एन आर्ट ये गार्डनिंग भी क्या है यहाँ पर यह सब्जेक्ट बन गया इसलिए ये क्या है <coughs> जीरण है कुकिंग इज़ अ साइंस कुकिंग भी एक क्या हो गया सब्जेक्ट बन गया है तो ये भी क्या है कुकिंग एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ तो जीरण हो गया है आई एन्जॉय रीडिंग पोएम्स अब यहाँ पर आई एन्जॉय एन्जॉय यहाँ पर वर्ब है रीडिंग पोएम्स यानी पोएम्स पढ़ना तो ये भी क्या हो गया नाउन हो गया आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग अब ये लाइक like जो है यहाँ पर वर्क का काम रहा कर रहा है रीडिंग एंड राइटिंग ये जीरण है ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम जैसे कि गार्डनिंग इज़ एन आर्ट कुकिंग इज़ अ साइंस आई एन्जॉय रीडिंग पोएम्स आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग अब इसके जैसे एग्जाम्पल्स है गार्डनिंग इज़ एन आर्ट या पेंटिंग इज़ एन आर्ट बैंकिंग इज़ अ साइंस आई एन्जॉय एक्टिंग आई लाइक राइडिंग मोर देन स्विमिंग इनफिनिटि Sometimes the form of a verb in a sentence names the action but does not change according to tense, number or person. Such a form is known as non-finite form or an infinitive. एक infinitive क्या है? ये form of verb है जो sentence में use होता है. अब ये action तो है लेकिन action के हिसाब से ये tense या उसके person के हिसाब से change नहीं होता. तो इसे क्या कहेंगे? Non-finite verb या फिर infinitive कहेंगे. एन इन्फिनीटिव इज़ यूज विथ और विदाउट टू इसमें इन्फिनी में टू टी और टू इस्तेमाल भी करते हैं नहीं भी यूज़ करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स हाउ डिड पीपल फर्स्ट बेगिन टू ड्रिंक टी यहाँ टू ड्रिंक इस्तेमाल किया है कैन यू नेम देवरेज अब यहाँ पर ये यह जो नेम है ये एज ए ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसमें टू नहीं लगा तो ये भी इन्फिनी है अब यहाँ पर देखेंगे नीचे तीन सेंटेंस दिए हैं इट वॉज़ फनी टू रीड वर्ड डैट स्टूड स्टिल अब यहाँ टू रीड ये क्या है इन्फिनेटिव है कैन आई रीड द बुक अब यहाँ पर रीड जो है ये क्या है ये भी एक इन्फिनीटिव है टू बी और नॉट टू बी ये टू बी क्या है ये एक इन्फिनेटिव है डैट इज़ द क्वेश्चन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी तब तक